तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आरब में, और लेके आ गया हूँ आज मैं आपके लिए गर्म गर्म टेक न्यूज़। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले खबर की बात करें तो पहले खबर वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस ने अपना वन प्लस 8 और 8 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है ग्लोबली, और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, दोनों ही फोन में आपको पंचोल कैमरा का सेटअप देखने को मिला फ्रंट में, और सेक्शन मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसमें आपको सोनी का IMX471 वाला सेंसर देखने को मिल रहा है। OnePlus 8 में आपको पीछे में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, और 8 प्रो में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सोनी का IMX586 वाला सेंसर दिया गया है। OnePlus 8 में आपको 4300mAh की बैटरी दी गई है, और OnePlus 8 प्रो में आपको 4510mAh की बैटरी दी गई है। और दोनों ही फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा LPDDR4X RAM के सपोर्ट के साथ, और दोनों ही फोन में आपको RAP 30T का चार्ज देखने को मिलेगा। और कंपनी ने इसकी 8GB वेरिएंट की प्राइस $899 रखी है, और 12GB रैम की प्राइस $999 है, जिसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो 68,000 होती है 8GB रैम की प्राइस, और 12GB रैम की प्राइस 76,000 होती है। तो ये जो पूरी स्पेसिफिकेशन है इसको देख के लगता है कि कंपनी इसमें फ़ोन में कुछ चेंजेस नहीं की है, खाली आपको फ्रंट में पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा, बैटरी थोड़ी बढ़ा दी गई है और प्रोसेसर चेंज कर दिया गया है। बाकी जो भी पूरी डिटेल्स है स्पेसिफिकेशन है वो आपको OnePlus 7T के जैसा ही है बस, और थोड़ी डिज़ाइन चेंज कर दी गई है, कलर तो बाकी उसका जैसा ही है, थोड़ा हल्का फुल्का अलग चेंज कर दिया गया है उसको देख के लॉन्च किया कंपनी इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं किए। तो कहाँ से ये फ्लैगशिप किलर है, और प्राइस तो इतनी ज़्यादा 76,000 इंडिया में अगर लॉन्च हुआ तो 76,000 तो होगा नहीं, उससे ज़्यादा और 4-5,000 और ज़्यादा बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज मिला के। तो बताइए प्राइस तो हाई है बट स्पेसिफिकेशन 70 जैसा ही है, और अभी भी 40,000 के अंदर आता है 70 OnePlus का, और OnePlus 8 Pro को कहा जा रहा था फ्लैगशिप किलर होगा, बट ये फ्लैगशिप किलर नहीं होगा, ये एप्पल किलर होने वाला है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस दूसरे खबर की बात करें तो दूसरे खबर OnePlus की तरफ से, और OnePlus ने अपना OnePlus Bullet Wireless Z ईयरफोन को OnePlus 8 और 8 Pro के साथ लॉन्च कर दिया गया है, और इसकी डिज़ाइन को देख के ऐसा लग रहा है कि OnePlus Bullet Wireless 2 के जैसा ही डिज़ाइन है इसमें, और इसमें एक मतलब अट्रैक्टिव वाली चीज़ इसमें जो स्पेशल दी गई है वो इसमें ये दी गई है कि 10 मिनट अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो 10 घंटे तक चलेगा, और अगर आप इसे फुल चार्ज करेंगे तो ये 20 घंटे तक का बैकअप देगी। और कंपनी ने इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है, और IP5 का रेटिंग भी दिया गया है, IPS5 का, इसका मतलब ये वाटर प्रूफ भी होने वाला है। और इसमें जो ड्राइवर का साइज़ है वो 9.2mm दिया गया है, और जो दोनों ही ईयरफोन है उसको आप जैसे ही टच करेंगे तो ये जो ऑडियो जो चलने लगेगा, आवाज़ जो आने लगेगा वो म्यूज़िक बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप इन दोनों ईयरफोन को ऐसे अलग करेंगे तो म्यूज़िक आपको चालू हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल बात इसमें देखने को मिली है। तो इस टाइप का डिज़ाइन है आप लोग जैसा कि डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, और इसकी प्राइस कंपनी ने 3,800 रुपये रखी है, मतलब UK में $49 और इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो 3,800 रुपये बनती है, जो कि OnePlus Bullet Wireless 2 से भी कम है। तो अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा तो आप इसे परचेस करेंगे कि नहीं हमें कमेंट करके बता सकते। तो गाइस तीसरे खबर की बात करते हैं, तीसरे खबर Redmi की तरफ से, और Redmi ने अपना Redmi Air.S को चाइना में लॉन्च कर दिया है, और इसे कंपनी ने ब्लैक कलर में लॉन्च किया है, और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है ब्लूटूथ का वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, और IP6 का रेटिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि वाटर प्रूफ होने वाला है, और इसमें आपको 7.2mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा। और कंपनी ने कहना है कि ये 4 घंटे तक बैकअप देगी सिंगल चार्ज पर, और आप इसे केस के साथ यूज़ करेंगे तो 12 घंटे तक का ये बैकअप देगी। तो मुझे जितना लगता है कि अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ तो ये Air.2 या फिर Air.Pro के नाम से लॉन्च हो सकता है, और कंपनी ने चाइना में इसकी प्राइस 100 yuan यानी कि इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो 1,100 रुपये रखी है। तो अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ तो इसकी प्राइस कम से कम 1500 या 1700 के आसपास होने वाली है, और कंपनी इसे Air.2 या फिर Air.Pro के नाम से लॉन्च कर सकती है। तो अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ तो आप इसे परचेज करेंगे कि नहीं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस चौथे खबर की बात करते हैं, चौथे खबर पबजी मोबाइल की तरफ से, और जैसा कि मैंने कल न्यूज़ दिया था कि 16 अप्रैल यानी कि कल पबजी अपना एक नया मोड ऐड करने वाली है अपने पबजी गेम में, जिसका नाम उन्होंने कोल्ड मोड रखा था, पर कंपनी ने अभी सोशल मीडिया पर यह कन्फर्म कर दिया है कि जो पबजी मोबाइल का जो नया मोड होगा उसका नाम आर्कटिक मोड होगा, और इसमें आपको स्नोफॉल जैसा एक थीम देखने को मिलेगा और एक ड्रोन भी देखने को मिलेगा जिसको आप चला पाएंगे, और इसमें एक नया वेपन भी ऐड होने वाला है। तो ये जो वेपन है ये अभी सरप्राइज रखा हुआ है कंपनी ने, पर वो जो अभी इसके बारे में कुछ और जानकारी मिली नहीं है, बट इसमें आपको एक ड्रोन देखने को मिलेगा और स्नोफॉल जैसा कुछ सिस्टम होने वाला है, मतलब कुछ थीम होने वाला है इसमें। और कंपनी कहना है कि ये जो मोड होने वाला है ये ग्लोबली रोल आउट किया जाएगा, और जितने भी गेमर्स हैं वो अपने फ़ोन को अपडेट, फ़ोन का जो पबजी मोबाइल ऐप है उसको अपडेट करके
ये आर्कटिक मोड चेक कर सकते हैं। और कंपनी ये जो आर्कटिक मोड ये देने वाली है ये आपको वीकेंडी मैप में देखने को मिलेगा। जो वीकेंडी मैप है उसमें आपको ये आर्कटिक मोड देखने को मिलेगा। तो अगर आप पबजी गेम खेलते हैं तो कल कंपनी इस ये जो आर्कटिक मोड है इसको रोल आउट करने वाली है। तो आप कल अपने फ़ोन का जो पबजी मोबाइल ऐप है उसको अपडेट करके ये आर्कटिक मोड चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कल अपडेट नहीं मिला तो 2-3 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि एक ही साथ रोल आउट होगा तो सब अपने जो आपको तो पता ही है पबजी का कितना क्रेज़ है, और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसके साथ में तो सब अपने घर में बैठ के पबजी ही खेल रहे हैं, तो इसलिए सब एक ही साथ डाउनलोड करने लगेंगे तो थोड़ा सर्वर भी डाउन हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कल अपडेट नहीं मिला तो आप 1 या 2 दिन बाद जाके अपडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो गाइस पांचवें घर की बात करें तो पांचवें घर आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से। और जिनको नहीं पता ये आरोग्य सेतु ऐप होता क्या है तो मैं उनको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये एक ऐप लॉन्च की थी जिससे आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपके आसपास एरिया में या फिर आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग हैं उनको कोरोना वायरस है कि नहीं, इस ऐप के थ्रू आप ट्रैक कर पाएंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 13 दिन में ही इस ऐप को 50 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड कर चुका 50 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है ग्लोबली। और नितिन आयोग के CEO ने ट्वीट करके ये कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है ट्विटर पे कि इस ऐप को 50 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा कोशिश है जो भी पब्लिक है उनको घर में रखने का और कोरोना वायरस से बचे रहें। और अपने आसपास में जो कोरोना वायरस है, किसी कोरोना वायरस से कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है कि नहीं उनको पता कैसे लगाएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा कोशिश है कि इस ऐप के थ्रू आप पता लगा पा सकते हैं। तो आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल है कि नहीं और आप इसे यूज़ करते हैं कि नहीं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस 6 नंबर वाले खबर की बात करें तो 6 नंबर वाले खबर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली सैमसंग के कुछ डिवाइसेस के लिए एक नया फंक्शन लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप बिना केबल के थ्रू अपने फ़ोन का जो डाटा है उसको आप लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना केबल के थ्रू। जी हाँ, बिना केबल के थ्रू आप अपने फ़ोन का जो डाटा है उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ भाई, बिना केबल के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर सकता है भाई। तो ये फंक्शन आपको सिर्फ सैमसंग के कुछ डिवाइसेस में ही देखने को मिलेंगे और आपको विंडो 10 PC में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। विंडो 8 और विंडो 7 में आप यूज़ नहीं कर सकते, ओनली विंडो 10 PC में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सैमसंग के कुछ डिवाइसेस के लिए ये फीचर्स अप्लाई किया गया है। तो सबसे इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र खोलना है, विंडो 10 PC में आपको ब्राउज़र खोलना है और उसे आपको लिंक टू विंडो लिखना है। तो आपको एक वेबसाइट आएगा, सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट है उसको आपको ऑन कर लेना है और फिर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना जो फ़ोन का भी डाटा है, जो भी डाटा है उसको आप लैपटॉप में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो आप अपने लैपटॉप में योर फ़ोन नाम का एक ऐप आता है उसका आप इंस्टॉल करके इस ये जो फोन फीचर्स है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी सैमसंग के कुछ डिवाइसेस के लिए ही कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है, बट जल्द ही आपको एंड्रॉयड में भी ये फंक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही एंड्रॉयड के लिए ये फंक्शन लॉन्च किया जाएगा मैं आपको बता दूंगा और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये फीचर्स आपको कैसा लगा। तो गाइस 7वें खबर की बात करते हैं, 7वें खबर सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग हाल फिलहाल के कुछ दिनों से ही अपना जो फोल्डेबल फ़ोन है उसको लॉन्च करते जा रही है। पहले तो सैमसंग ने अपना फोल्ड फोन लॉन्च किया, उसके बाद जेड फ्लिप, और अब सैमसंग अपना फोल्ड 2 को लॉन्च करने वाली है जो कि फोल्ड का सक्सेसर होने वाला है। सैमसंग फोल्ड उसका सक्सेसर होने वाला है, सैमसंग फोल्ड 2, और इसको कंपनी अगस्त में लॉन्च करने वाली है। और सैमसंग ने अनाउंस किया है कि सैमसंग फोल्ड 2 इसमें ये जो स्मार्ट फोल्डेबल फ़ोन है इसमें आपको एक एक्स्ट्रा सेकंड एक्सटर्नल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि कंपनी इसमें जो बेजल्स हैं साइड के, जो चारों तरफ के बेजल्स हैं उसको कम करने का कोशिश कर रही है और उस पर अभी काम चल रहा है, उसको कम करने का कोशिश कर रही है। और इसमें आपको इस जो सैमसंग का फोल्डेबल 2 जो ये स्मार्टफोन है इसमें आपको एस पेन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको सैमसंग का फोल्ड और जेड फ्लिप में आपको एस पेन का सपोर्ट देखने को मिला था। और सैमसंग का जो बाकी नोट 10 और S9 जो है उसमें भी आपको एस पेन का सपोर्ट देखने को मिला था, बट ये जो सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 जो स्मार्टफोन है इसमें आपको एस पेन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें कंपनी चारों तरफ का जो बेजल है उसको कम करने वाली है और सेकंड एक्सटर्नल डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और कंपनी इसे नोट 20 सीरीज़ के साथ लॉन्च करने वाली है। तो इंडिया में तो बहुत कम ही चांसेस ये लॉन्च होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको लॉकडाउन और वायरस का जो COVID-19 का कोरोना वायरस का जो भी चक्कर चल रहा है तो इसका तो लॉन्च होना मतलब नहीं लग रहा है कि लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में सैमसंग के ये फोल्डेबल स्मार्टफोन। और लॉन्च होगा भी तो खरीदेगा कौन, किसी का पैसा होगा तब ना यार, सब कंगाल हो चुका है, खाने पीने का पैसा होगा तब ना फ़ोन खरीदेगा। तो इसीलिए ये फ़ोन इंडिया में तो बहुत कम ही चांस है आने का। तो अगर जैसे ही इसके बारे में और कुछ डिटेल निकलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही मैं गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लाता रहता हूँ। और मैं और आपके लिए और क्या नया कर सकता हूँ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या ख़राब लगती है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए।
ताकि मुझे पता चले कि मेरे यूजर्स और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरी वीडियो कैसे लगती है। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है और मैं आपके लिए और क्या क्या नई चीज़ें ला सकता हूं और किस तरह से मैं आपको एंटरटेन कर सकता हूं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।